हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में रूबरू करवाया था दुनिया की कुछ ऐसी माओं की महानता से जिनके बारे में जानकर आप रो पड़े थे और माँ के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। और आप सभी ने उस वीडियो पर खूब अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करके अवश्य देखें। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी माओं के बारे में जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है मगर माता कभी कुमाता नहीं होती। ये बात बिल्कुल भी इन माओं पर सटीक नहीं बैठती। तो चलिए जानते हैं दुनिया की कुछ ऐसी माओं के बारे में जिन्होंने माँ शब्द की पवित्रता को अपवित्र कर अपने मातृत्व की मर्यादा लांघ दी। ये है दुनिया की कुछ सबसे अजीब माएं। अलेक्जेंडर वी टोबियस, फेसबुक का प्रसिद्ध टाइम वेस्टर। मेरा मतलब लोकप्रिय गेम फार्म विले आपने कभी ना कभी तो खेला ही होगा। लेकिन इस गेम की दीवानगी फ्लोरिडा में रहने वाली महिला अलेक्जेंडर वी टोबियस पर ऐसी चढ़ी कि उसने अपने 3 महीने के बच्चे को ही मार डाला। दरअसल जब वो गेम खेल रही थी तब बच्चा उसका रोने लगा और उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बच्चे को उठाकर जोर जोर से झंझोर डाला और फिर सिगरेट पीने चली गई और वापस आई तो बच्चे को तब भी रोता देख दोबारा उसे जोर जोर से झंझोर डाला, जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग में चोटें आई और वो नहीं रहा। दोषी करार करते हुए अदालत ने इस क्रूर मां को 50 साल की कारावास की सजा सुनाई। चार्ली विलकॉक्स, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये तो हर किसी को मालूम है और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके बच्चे के लिए भी उतनी ही हानिकारक है, जिससे बच्चा अस्थमा, एलर्जी और हाई कार्बन मोनोऑक्साइड से होने वाली परेशानियों से पीड़ित हो सकता है। लेकिन चार्ली विलकॉक्स नाम की महिला को यह बात सरासर गलत लगती थी। इस महिला ने प्रेगनेंसी के दौरान 50 से 100 नहीं बल्कि 3500 से भी ज्यादा सिगरेट पी। चार्ली को लगता था कि ज्यादा सिगरेट पीने से इसके होने वाले बच्चे का अच्छा विकास हो रहा है और प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट न पीना बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। चार्ली ने समय से पहले एक कमजोर बच्चे को जन्म दिया लेकिन इसे भी वो बस एक महज इत्तेफाक मानती है और कुछ नहीं। क्या आप भी इस मां से सहमत हैं? टेरेसा नोर, जहां एक तरफ मां प्यार और ममता की मूरत मानी जाती है, वहीं टेरेसा नोर नाम की अमेरिकी महिला ने वो सारी हदें पार कर दी जिसके कारण इसे मॉन्स्टर मॉम का दर्जा मिला। इस महिला ने अपने बच्चे को खूब टॉर्चर किया, उन्हें देह व्यापार के लिए उकसाया और अंत में उनमें से 2 को मार डाला। इस महिला ने अपने पहले पति का भी कत्ल किया था लेकिन सबूतों के अभाव में और उसकी मौत को सेल्फ डिफेंस बताकर कानून के शिकंजे से जा निकली। इस महिला ने अपने बच्चों पर साल दर साल अत्याचार किए, अपनी एक बेटी सुजेन को चाकू मारने के बाद गोली मारकर आग लगा दी, वहीं दूसरी बेटी शीला को एक अलमारी में बिना खाना पानी दिए मरने तक बंद रखा। तीसरी बेटी टेरेसा ने 1992 में टीवी पर अमेरिकाज मोस्ट वांटेड नाम के कार्यक्रम से प्रेरित होकर पुलिस को कॉन्टेक्ट किया, तब जाकर टेरेसा नोर की गिरफ्तारी हुई और उसे कोर्ट ने 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मां के कुकृत्यों पर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। स्टेफनी सेमोर, जब अजीब माओं के बारे में बात हो ही रही है तो हम स्टेफनी सेमोर को कैसे भूल सकते हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि स्टेफनी सेमोर एक खूबसूरत अमेरिकी सुपर मॉडल और एक्ट्रेस है जिन्होंने अरबपति उद्योगपति पीटर प्रेंट से शादी की और उनके 4 बच्चे हैं। स्टेफनी सेमोर हमेशा से ही विवादों में घिरी रही हैं, चाहे पैसों के लिए इनकी बुजुर्ग पीटर से शादी हो या वार्डरोब मॉल फंक्शन या फिर बेटे पीटर जूनियर से अंतरंग संबंध की खबरें। एक बार फ्रांस में स्टेफनी सेमोर अपने परिवार के साथ एक बीच पर समय बिता रही थी लेकिन इनकी और इनके बेटे की कुछ ऐसी तस्वीरें मीडिया में सामने आई कि फिर से स्टेफनी विवादों में घिर गई। इन तस्वीरों में आप इनके बेटे का हाथ साफ देख सकते हैं कि कहां पर है और यहां तक काफी नहीं था, दोनों ने किस तक कर डाला। कुछ और तस्वीरों में भी माँ बेटे कुछ अजीब हरकत करते नजर आए। इन्हें देखकर ये कह पाना मुश्किल है कि असल में ये माँ बेटे की जोड़ी है या किसी प्रेमी जोड़ी की। इससे पहले भी स्टेफनी ने अपने दोनों बेटों के साथ एक फोटोशूट किया था
जिसमें भी माँ बेटे के पोज की वजह से लोगों ने इनकी खूब आलोचना की। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब अमेरिका जैसे खुले विचारों वाले देश में इनकी इतनी आलोचना हो रही है तो मामला कितना बड़ा है। इस वाकये के बाद पीटर ब्रैंड जूनियर ने फेसबुक के जरिए सफाई दी और इस घटना को अप्रासंगिक बताया, और ये भी बताया कि उनकी माँ सभी बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है जो अंतरंग सा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। साथ में ये भी कहा कि वो एक गे है, इसलिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।